आप यहां जादवपुर में जाकर के 100 लोगों को पूछिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी, 100 में से 90 लोग कहेंगे मोदी की सरकार बनेगी। अगर जब पक्का ही है कि मोदी की सरकार बनेगी तो वोट बर्बाद करना चाहिए क्या, वोट फालतू में जाने देना चाहिए क्या? और इसलिए हमारा वोट मोदी सरकार को मजबूत बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए जाना चाहिए। जो विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, भाइयों और बहनों, जादवपुर हो, कोलकाता हो, ये मनन चिंतन करने वालों का क्षेत्र है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं, इनके पास देश के लिए कोई विजन है क्या? टीएमसी वालों के पास देश के लिए कोई विजन है क्या? बंगाल के लिए कोई विजन है क्या? जो टीएमसी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करती हो, वो यहां के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी दुकान चलती रहे, वहीं मोदी विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। आपने 10 साल का मोदी का सेवा काल देखा है, देश के नौजवानों के लिए अवसर हो, गरीब और मिडिल क्लास की सुविधा हो, इसके लिए 10 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है।